खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां राल गांव के श्री कृष्ण गौशाला गौ आश्रय स्थल में आज निकटवर्ती गांव जिसमें नगला मोहर सिंह, नगला नंदी, नगला हेमराज, नगला चिरंजी, मटोली का नगला के 320 ग्रामीणों को अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा राशन किट प्रदान की गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि MVDA CEO के विशेष कार्यवाहक अधिकारी क्रांति शेखर सिंह एवं अक्षय पाल फाउंडेशन के श्री अंतरवीर दास जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए शैलजा कांत मिश्र ने कहा कि हमें अपने परिवार के साथ भोजन ग्रहण करने से पूर्व गौ ग्रास अवश्य निकालना चाहिए। ये कार्य परिवार के बच्चों के माध्यम से होना चाहिए, जिसमें बच्चों में गाय के प्रति श्रद्धा एवं संरक्षण की भावना विकसित होगी। एक बात आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहले ऐसा होता था कि उत्तर प्रदेश से गायें कटने के लिए चली जाती थी बिहार बंगाल होकर के बांग्लादेश, और मैंने तो यही नौकरी की और हजारों हजारों गाय पकड़ते थे तब, जिनको काटने के लिए लोग ले जाते थे बिहार बंगाल होते हुए बांग्लादेश की तरफ। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये नियम बनाया, कोई गाय उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाएगी, कटने फटने का मामला हो गया बंद। और इसलिए जब वो 10,000 जो गाय कटने जाती थी, अब नहीं कटने जाती तो यही रुकने लग गई। इससे आपको समस्या होने लग गई, खेत में खलिहान में गाय बढ़ गई। लेकिन आप ये मानोगे कि ये गाय कटने जाती तो अच्छा होता कि बुरा होता? बुरा होता ना, जीवित हैं यहाँ हमारे क्षेत्र में गौ माता हैं तो भले की बात है, अच्छी बात है ना। और लेकिन समस्या तो बढ़ी, तो समस्या बढ़ी तो आपकी इस समस्या का निदान करने के लिए सरकार की ओर से ये तय किया गया कि गौशाला बनाई जाए। गौशाला में ऐसी गायें निराश्रित, जिनको रहने की कोई जगह नहीं है, सड़क पे, खेत से, खलिहान से उठा के, बीमार, दूध देने लायक नहीं गाय बैल सांड, उनको ले आकर के और एक जगह पे सरकार की ओर से व्यवस्थित किया जाए, उनकी सेवा हो, आपको राहत मिले। और इसलिए यहाँ पे ये गायों की व्यवस्था शुरू की गई है। आज की तारीख में कितनी गाय हैं बताइए? हैं 3,000, लगभग 3,000 गायें आज यहाँ हैं। और भगवान की कृपा, राधा रानी की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, आप सबका सहयोग और प्रेम बना रहे, तो इस गौशाला में 3,000 नहीं 20,000 तक गाय रखी जाए, ताकि एक भी गाय कहीं वृद्ध क्षेत्र में निराशित बाहर न रहे। क्या चाहिए इसके लिए? हमको दो चीज चाहिए। ये राजेश अग्रवाल जी जो दिल्ली के हैं, बड़े गो भक्त हैं, उनके पुत्र हैं यहाँ पे ना, उनकी बहू रानी यहाँ पे आई हुई, आज वो नहीं आ पाए हैं, बड़े गो भक्त, ताली बजाइए एक बार इनके लिए। ये दिल्ली में भी ये लोग 8,000-9,000 गायों की सेवा करते हैं, जितनी वहां उठाई हुई हैं, और यहाँ भी कर रहे हैं। साहब इन्होंने बनवाया है, जितना आप देखते हुए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।